नए साल में हो रही है एक अनोखी पहल की शुरुआत। नए वर्ष में नए जोश और नई उमंग के साथ करेंगे हम एक नई शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जेके मीडिया कप होने वाला है शुरू 16 जनवरी 2021 से, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और सबसे अहम बात, जेके मीडिया कप को इनॉग्रेट करने और चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले हैं सैयद सबा करीम, जिनके जीवन शैली के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबा करीम का पूरा नाम सैयद सबा करीम है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। सैयद सबा करीम का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 14 नवंबर 1967 में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। सबा करीम दाएं हाथ के बैट्समैन और विकेट कीपर थे। उन्होंने क्रिकेट के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम किया है। सबा करीम ने टिस्को के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिवीजन में भी काम किया है। सबा करीम ने महज 15 वर्ष की आयु में अपनी हाई स्कूल की शिक्षा लेने के तुरंत बाद प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। करीम ने 1982-83 में बिहार में अपने प्रथम श्रेणी के करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने 1990-91 में रणजी ट्रॉफी में उड़ीसा के खिलाफ 234 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। 1996-97 में पहली बार सबा करीम का चयन दक्षिण अफ्रीका में मानक बैंक सीरीज में नैन मुंगिया के स्थान पर भारत के लिए उन्हें पहली बार चुना गया था, जिसमें उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया। सबा करीम ने उस मैच में पहली बार 55 और दूसरी मैच में 38 रन बनाए थे। 1997 में सबा करीम को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे मैच खेलने का मौका मिला। सबा करीम ने 34 वनडे मैच और टेस्ट मैच खेला, जिसमें उनका प्रदर्शन काफी उम्दा था। क्रिकेट में तेजी से उभर रहे सबा करीम के लिए एक वक्त बेहद बुरा आया, जब मई 2000 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच के दौरान उनके आंखों में चोट लग गई। आंखों की वजह से क्रिकेट से वो बाहर हो गए। आंखों में चोट की वजह से उनका क्रिकेट का करियर खत्म हो गया। सबा करीम को वर्ष 2018 में BCCI का नया जनरल मैनेजर बनाया गया। 1 जनवरी 2018 से शुरू हुआ है। इस पद पर करीम को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने का मौका मिला, जिसमें क्रिकेट विभाग को रणनीतिक दिशा देना, प्रचालन योजना को लागू करना, बजट बनाना, मैच खेलने के नियमों के अनुसार स्थलों की मांगों तथा घरेलू कार्यक्रम प्रशासन की निगरानी और निर्धारण करना होगा। तो चलिए, इंतजार है 16 जनवरी का, जहां रांची के सारे पत्रकार एक साथ जेके मीडिया कप में उमंग के साथ हिस्सा लेने वाले हैं। और जेके न्यूज नेटवर्क जेके मीडिया कप के हर वो पहलू को आपके समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जेके न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।